आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि गर्ल्स के अंदर, वेमेन के अंदर एब्सेंट ऑर्गेजम, यानी सेक्स के दौरान पीक न पहुंच पाने का क्या कारण है। दुर्भाग्यवश ऑर्गेजम का मतलब कई और तो पता नहीं होता है। ऑर्गेजम सेक्स के दौरान वो कंडीशन होती है जिसमें सेक्स खत्म होने के समय वो पीक आनंद की प्राप्ति करती है, जिसके बाद उसे लगता है कि मैं संतुष्ट हो चुकी हूँ, पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, तो इसे बोलते हैं ऑर्गेजम। तो ऑर्गेजम दुर्भाग्यवश इंडिया में 30-40% वेमेन सेक्स के दौरान पूरे जीवन में कभी पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि उसे कई कारण होते हैं ऑर्गेजम न होने का। सबसे पहले वेमेन कारण, दूसरा मैन कारण। तो वेमेन के अंदर कई कंडीशन होती है जिसकी वजह से उनका सेक्स रिस्पॉन्स वैरी कर जाता है, बदल जाता है और पीक पहुंचकर ऑर्गेजम को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो कारण होते हैं, पहला होते हार्मोन की कमी, कई हार्मोन, फीमेल हार्मोन कमी हो, नेगेटिव इनहिबिटरी हार्मोन लाइक प्रोलैक्टिन गड़बड़ हो, थायराइड हार्मोन गड़बड़ हो, मेल हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन औरतों के अंदर कभी बढ़ जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन, फ्री टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन कमी लाइक ईस्ट्रोजन कमी, अदर हार्मोन की कमी, तो इन सब कमी की वजह से उनका सेक्स में इन्जॉयमेंट घट जाता है, वेजाइनल सीक्रेशन घट जाता है, सेक्स के दौरान जो पीक पहुंचता है पहुंच नहीं पाते हो। सेकेंड कारण होता है कि उनके लोकल जेनिटेलिया में पेन हो, चाहे वल्वोडायनेक की वजह से पेन हो, चाहे वेजिनिस्मस की वजह से पेन हो, चाहे उनको डिस्पोरोनिया की वजह से पेन हो, चाहे पेल्विक इन्फेक्शन हो, वेजाइनल इन्फेक्शन हो, अब्डोमेन के अंदर कोई अदर प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियोसिस हो, यूट्राइन इलाजमेंट हो, ओवेरियन इलाजमेंट, किसी वजह से पेन होगा तो उनका एंजॉयमेंट कम होगा, वेजाइनल सीक्रेशन कम होगा और पीक पहुंचकर ऑर्गेजम नहीं पहुंच पाएंगे। फिर थर्ड होता है साइकोलॉजिकल इश्यूज, लाइक किसी को अगर पार्टनर पसंद नहीं कर रही है, बहुत थकी है, टेंस है, तो उनका सेक्स रिस्पॉन्स वैरी करके पीक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर साइकेट्रिक डिसीजेज, लाइक किसी को डिप्रेशन हो, एंग्जायटी हो, साइकोसिस हो, उनके में भी क्या होता है, स्ट्रेस केमिकल बढ़ने की वजह से सेक्स सेंटर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है और पीक नहीं पहुंच पाते हैं। फिर कुछ नशा करना, लाइक शराब पीना, सिगरेट पीना, ओपियोइड नशा, कोकीन नशा, इन सब की वजह से भी ये पीक नहीं पहुंच करके ऑर्गेजम नहीं पाता है। फिर होता है कि कोई कोई ड्रग्स लाइक एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी साइकेट्रिक ड्रग, डिप्रेसिव मेडिसिन, स्लीप मेडिसिन, ये भी सेक्स सेंटर को इनहिबिट करके पीक नहीं पहुँचने देते हैं। तो प्लस सिस्टमिक डिसीज, लीवर डिसीज, किडनी डिसीज, कोई भी बीमारी सेक्स को इंटरफेयर करता है और पीक नहीं पहुंच पाती है। तो जब भी वेमेन, और कई कबार क्या होता है कि हाई एक्सपेक्टेशन, उन्हें पता नहीं कैसे पीक पहुंचना है, तो कई वजह होता है ऑर्गेजम न पहुंचने का। तो जब भी एब्सेंट ऑर्गेजम, इसे बोलते हैं एनऑर्गेजमिया, तो पेशेंट हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले उनको फिजिकल कॉज रूल आउट करते हैं हम लोग, कोई लोकल प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सारे हार्मोन चेक करके देखते कोई हार्मोन कमी तो नहीं है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इट इज़ ए काइंड ऑफ साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर इन विच दे आर अनेबल टू एंजॉय। क्या होता है कि जब एक दो बार ऑर्गेजम नहीं होता है तो वेमेन का रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है, बिकॉज उनका सेक्स इंडल्स हुई पीक पहुंची नहीं, तो जब तक पीक नहीं पहुंचोगे आपको पीक एंजॉयमेंट आएगा नहीं, तो उनका क्या होता है कि सेक्स डिजायर घट जाता है। जब भी पार्टनर से सेक्स ली जाती है उन्हें पता कुछ मजा आना नहीं है, तो फुली इन्वॉल्व नहीं पाती है, और सेक्स में जाती भी है तो पूरी कोशिश करती रहती है कि जल्दी ऑर्गेजम हो, पीक पहुंच, पीक पहुंचू। तो दुर्भाग्य जान लीजिए, जितना पीक पहुंचने की कोशिश करेंगी उतना इसका आप एंजॉय कम कर रही है, पीक पहुंचने की कोशिश कर रही है तो पीक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब भी हम आप पेशेंट आते हैं, एक बार हम पूरी हिस्ट्री, हार्मोन टेस्टिंग, अदर टेस्टिंग बाद जब डायग्नोसिस बन जाता है, उसके बाद उनको कोई मेडिसिन देते हैं जिससे पेनिस का ब्लड फ्लो बढ़ता है, यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ता है, क्लाइटोरल इंगॉर्मेंट होता है, इंगॉर्मेंट होता है, उनको बताते हैं कैसे क्लाइटोरल स्टिमुलेट करना है, कैसे जी स्पॉट लोकेट करना है, और इसके बाद उनको हम बोलते हैं कि पार्टनर कैसे उसको एक्साइट करना है एंड व्हाट शी टू फॉलो एट दैट टाइम। तो नॉर्मली अपने कुछ सेक्स थेरेपी एक्सरसाइज बताते हैं उनको, तो नॉर्मली मेडिसिन के बाद, सेक्स थेरेपी के बाद मोर देन 99% वुमेन 3-4 महीने के अंदर अपना ऑर्गेजम अचीव कर लेती है। ये कंडीशन बहुत बड़ी नहीं है, बस सकते आप किस समझ करके डायग्नोज के प्रॉपर ट्रीट करें। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो
तो आप हमें फोन करें, हमारा मोबाइल नंबर 9899180390 पर, या हमें ईमेल करें info@sexandhormone.com पर कॉन्टेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछ सकते हैं। आई होप कि ये सब समझ के, जान करके, आप प्रॉपर इलाज करके और आप सेक्स से पूरा आनंद ले पाएंगे।